whether there is a constitutional absence or silence. Are you giving us only two options? In a case in which there are leftover reserved seats, which cannot in be in which there are leftover reserved seats. ये मैं नकल करवा लूँगा. Type करके देखो यार मैं आपसे नकल करूँगा यार. Whether there is constitutional absence of silence in a case in which there are leftover reserved seats which cannot be allocated to any party, either because of disentitlement or disproportionality. Now what happens then? इसका मतलब मुझे नहीं समझ आया. This question. जी समझ में नहीं पा रहा हूँ. जी कैसे हो सकता है? Cannot be allocated to any party. सवाल यही है. This is one of the questions. हम नोट कर लेते हैं. जी this is a question which is answered by the ECP. कि हम वैक्यूम नहीं छोड़ सकते. आपने क्या कहा? डिसइंटाइटलमेंट और डिसप्रोपोर्शनैलिटी. फिर अगर आप ये बात करेंगे तो वो अगर हम आर्टिकल 51 का जो शुरू है देखें फिर वो दूसरा एक सवाल आ जाएगा जो पिशारा हाई कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया था. भाई एक एक तरीका तो ये हो सकता है कि उसको खाली छोड़ दो, ना आपको मिले ना इनको मिले. या वो हम कर सकते हैं. आर्टिकल 51 कहता है कि नहीं, उन्होंने नंबर दे दिया है. जी मतलब ये फिर माय लॉर्ड का शायद मकसद ये तो ये हो ही नहीं सकता ना. डेफिनेटली वो या तो हम उस आर्टिकल को नजरअंदाज करें. मैं इसका एक जवाब दूंगा बट मैंने सवाल फ्रेम कर दिया. दिस इज समथिंग व्हिच योर लॉर्डशिप एट माय लॉर्ड ने कहा था कि ये इसलिए मैं कह रहा था सर एंड में वो मैं फॉर्म किसी और को देने से तो खाली छोड़ना ही बेहतर. कल आप प्लीज इनका अगर आप जी 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 टाइप करके दे दें. यू रियली टेस्टिंग आवर पेशेंस. नो 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 सर आई वुड नेवर लाइक स्पेशली यू वांट टू ब्रेक नाउ यू वांट टू कंटिन्यू. अब आपकी क्या सिर्फ क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने आप करना चाहिए. जी आपकी मर्जी है. सम अदर डेट व्हिच इज कन्वीनियंट. नहीं टुमारो टुमारो ठीक आप हमें ये टाइप करके भिजवा फैसल साहब. फैसल टुमारो डे आफ्टर आई एम हियर. फैसल कल एक लार्जर बेंच है. फैसल सिद्दीकी साहब फैसल सिद्दीकी साहब जी एक मेरा सवाल है. हमने इतनी बहस तो करी लेकिन हमने पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी. अगर हम जरा पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन अगर पढ़ लेना तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है मींस एन एसोसिएशन ऑफ सिटीजंस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सच एसोसिएशंस फॉर्मड विद अ व्यू टू प्रोपगेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल ओपिनियन. एंड यहां से शुरू होता है मामला. एंड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस फॉर एनी इलेक्टिव पब्लिक ऑफिस और फॉर मेंबरशिप ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी इंक्लूडिंग एन असेंबली द सेनेट और लोकल गवर्नमेंट. एक ऐसी पार्टी जिसने के अपना पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो इलेक्शन के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में कैसे आ सकती है? और जब वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आ सकती है तो ये जो बहस है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ज्वाइन करने की उस पॉलिटिकल पार्टी के वो तो सेकेंडरी हो जाता है. लिहाजा अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर लें कि SIC वॉज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज इट हैज नॉट नाइदर पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन नॉर हैज वन एनी सीट तो लिहाजा ये जो बहस है ये तो बिल्कुल ही सेकेंडरी हो गई कि जनाब जब वो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है लिहाजा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो इसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि ज्वाइन करेंगे वो लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को. जब एक चीज पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है लिहाजा ये इंडिपेंडेंट अगर ज्वाइन भी करेंगे तो उसकी कोई अहमियत हैसियत कानून में नहीं है मेरे हिसाब से टॉकिंग फॉर माई सेल्फ. लिहाजा आप इस एस्पेक्ट को भी काइंडली इलेबोरेट कीजिएगा और हमको समझाइएगा कि व्हेन SIC इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी देन देयर कैन नॉट बी एनी क्वेश्चन
ऑफ द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइनिंग दैट पॉलिटिकल पार्टी बीइंग द एसएससी. Thank you. Faisal sahab, I have noted this question, sir. Faisal sahab, just before you leaving, I thought ye kya zaruri hoga ki article 51 ko interpret karne ke liye the foundational principle would be the right to vote. So vote ki protection is the fundamental guiding line or guideline to interpret 51. Yes. तो वोटर जो हमारे सामने भी नहीं खड़ा हुआ उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ना, बाकी तो सब इररिलेवेंट. सर आई दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट एंड दिस इज माय लास्ट कमेंट ऑफ द डे सर. सर नन ऑफ दीज प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस और डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड एक्सेप्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 17. दैट इज द फाउंडेशन on which all interpretation of these provisions should follow. ये फैसल साहब जी, ये अर्लियर मैंने भी यही पूछा था जो माय लॉर्ड सैयद मंसूर अली शाह ने पूछा जी. ये सारा एडिफिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उस वोटर के राइट पे बेस्ड है जी. अब जितनी बहस हो रही है वो पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में हो जी. बिल फर्ज जी, आपसे गलती हो गई जी, आप नहीं थे पॉलिटिकल पार्टी जी, ठीक है ना, इनसे गलती हो गई, पीटीआई ने खुद एज अ पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट किया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन उस वोटर के राइट को सिक्योर करना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? क्या ये कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ये अलाउ कर सकती है कि उसका राइट वायलेट हो और वो डिसइनफ्रेंचाइज्ड हो? So, इस पे भी फिर और वही जो 218 जो है, जो बार बार माय लॉर्ड जैसे मुनीब ने भी कहा कि बार बार ईसीपी यूज करता है, तो 218 का और क्या मतलब हो सकता है अगर वोटर का राइट बिल्कुल नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? किसका? आर्टिकल 17 सर, दैट इज द शाइनिंग लाइट फॉर एवरी इंटरव्यू. आर्टिकल 17 के तहत क्या तस्हीन नहीं हो सकती कि हक अकदार को वापस दे दो, कैंडिडेट वापस पीटीआई को दे दो, वो क्लेम करे सीट्स? सर हजारों ख्वाहिशें ऐसी. ये उनकी सीट थी ना, लेकिन लोगों ने, आई एम फर्म बिलीवर दैट द पीपल वोटेड फॉर पीटीआई नॉट फॉर यू. सर बिल्कुल आप कंटेंशंस भिजवा जी जी. मैं आज ही जी जी सर, हमारे साथ तो ये हुआ. अच्छा सॉरी, कुछ और? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था हमारे साथ तो ये हुआ कि वो उसी तरह है कि ईसीपी ने पहले हमारा बल्ला ले लिया, फिर हमसे कहा आओ बैटिंग करें. सर अब हम बैटिंग किस तरह करें सर, बल्ला ही नहीं है. तो आपसे बैट्समैन से बल्ला नहीं लिया? अच्छा, एक बात सर, बगैर बगैर बल्ले के हम सॉरी शोएब अख्तर को प्रेस करने आ जाए. सॉरी 66 पढ़ेंगे आप लोग तो कहते हैं कि बगैर बल्ले के हमारे बल्ले बल्ले हो. सदीकी साहब जरा पढ़ेंगे आप 66 में पढ़ेंगे, उसमें ये है कि जो कैंडिडेट पढ़े जरा एक दफा 66 सेक्शन मोमिन अगर है तो बेतेक भी लड़ता कैंडिडेट टू फाइल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट बिफोर सीकिंग अलॉटमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिंबल शैल फाइल अ डिक्लेरेशन बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर अबाउट his affiliation with a particular political party, if any, along with his certificate from the political party showing that he is that candidate, party's candidate from the sir. ये सलमान साहब की आप दीदी है, आप जरूर सुनिए. नहीं, वो जो आपने कहा बगैर बैठ के, तो prescribed जितने निशान थे उनमें से वो कैंडिडेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे. एग्जैक्टली सलमान साहब के साथ. नहीं, अगर ये आप देखिए, एक चीज आप ऐसे ना समझें, कल को आपका पार्टी हेड इनके लेजिस्लेशन में गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे जी, आप सोच रहे हैं ना, आप एक्चुअली एक दूसरे के आप मुखालिफ हैं जी. आप अपने आपको ये कानूनी तौर पे आपका इंटरेस्ट इनसे कन्फ्लिक्ट करता है जी. आपके पार्टी छोड़ के कौन जा सकता है? उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप करेंगे या ये करेंगे? तो जरा ये भी जरा गौर में रखें. और एक बात जो हम बिल्कुल भूल गए हैं, मैं हमेशा समझता हूँ कि सियासी कॉन्स्टिट्यूशन मसले पार्लियामान में डिस्कशंस होना चाहिए, वहां तो बिल्कुल नहीं होते. हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये क्यों नहीं होता है भाई, उसमें वही तशरीह थोड़ी होती है. आई एग्री सर. आप बोलेंगे याद है जो कोई जाता है, कोई खुश जाता है, कोई नाराज जाता है. अभी जिक्र हुआ था अर्लियर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन नाम क्यों रखा जी जी.
हर दौर में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जेरे अताब ही रहती है, उनसे भी पीपल्स पार्टी और तलवार ले लिया गया, APMLN के साथ भी हुआ है। इस सूरत हाल में हाउ यू सी वन मस्ट एंड द कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट द लॉ, क्योंकि ये जो एक बजाहिर चीजें होती हैं और सब कुछ पता भी होता है, हाउ शुड द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स बी इंटरप्रेट। एंड द पार्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट, द लीडर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज द राइट ऑफ द वोटर विच हैज टू बी सिक्योर। जी सर, सिविल अपील नंबर 334 have been filed by the Sunni Ittehad Council and its head